स्वागत है आप सभी लोगों का द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो लेक्चर्स में आपको ये देखने को मिलेगा यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जो वैकेंसीज आपकी बंद दरोगा की आई हुई है उसी के सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक ना, क्या क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, सिलेबस में क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट हमको पढ़ने रहेंगे, कौन कौन सा टॉपिक हमको तैयार करना रहेगा, तो इन सब विषयों में डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस का समाधान आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, तो अंत तक बने रहिए। आइए देखते हैं, ठीक ना। यहां से जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा 2000, ठीक ना भैया, ये 22 का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं बंद दरोगा में। अब बात आती है, ठीक ना, यहां से देखिएगा, अगर आपके ये जो आयोग का अगर जिक्र करते हैं तो यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू, ठीक ना, ये सारी परीक्षा कराई जानी है। अब बात आती है कि यहाँ पे देखिएगा विज्ञापन संख्या का अगर जिक्र करते हैं तो विज्ञापन संख्या आपके सामने दी गई है, बातें समझ रहे हैं। फिर यहाँ से रिक्त पदों की संख्या का जिक्र करें तो रिक्त पदों की संख्या 701 है, ठीक ना। नाम क्या है? बंद दरोगा भैया, ठीक ना। पद का नाम क्या है? बंद दरोगा। और ये एग्ज़ाम जो आपका होगा वो बहुत ही जल्द करवा लिया जाएगा। ये जो वीडियो लेक्चर्स होने वाला है पूरा का पूरा डिस्कस किया गया, किस पे किया गया है भैया, ठीक ना, सिलेबस के ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, ठीक ना भैया, तो यहाँ से देखिएगा वेबसाइट दी गई है, इसी के थ्रू आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। चयन प्रक्रिया का अगर जिक्र करते हैं तो ये उम्मीदवार लिखित परीक्षा देगा, शारीरिक मापदंड देगा, तो इन सबको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी आप, ठीक ना भैया, जॉब को पाएंगे। यहाँ से देखिएगा आगे अगर एग्ज़ाम पैटर्न का जिक्र करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न के लिए यहाँ पे देखिएगा मुख्य बिंदु दिए गए हैं, ठीक ना। ये आपका क्या होगा भैया? बहुविकल्पीय टाइप का क्या होगा? प्रश्न होगा। यहाँ पे बायलैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे हिंदी अंग्रेजी में, ठीक ना। पूर्णांक जो आपका रहेगा वो 100 अंकों का रहने वाला है। जैसा कि हमने आपको बताया था क्या निगेटिव मार्किंग रहेगा, तो समय का अगर जिक्र कर लेते हैं तो समय आपका टोटल 2 घंटा दिया जाएगा, 120 मिनट दी जाएगी। फिर और आगे अगर जिक्र करते हैं निगेटिव मार्किंग का, अगर जिक्र करते हैं निगेटिव मार्किंग बिल्कुल हाँ आपका रहने वाला है 0.25 और 1/4 आपका क्या रहेगा भैया? निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। यहाँ से देखिएगा यूपी ट्रिपल एससी बंद दरोगा का मुख्य परीक्षा पैटर्न, विषय का अगर जिक्र कर लेते हैं तो विषय यहाँ से आप देख लीजिए, विषय जो आपकी रहने वाली है, ठीक ना भैया, ये आप देखिएगा हिंदी, हिंदी, ठीक ना, ये विषय है। और यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक ना, प्रश्नों की संख्या और ये निर्धारित कुल अंक, यहाँ से देखिएगा हिंदी में 25 अंक 25 प्रश्न रहेंगे। इसी तरीके से आपका, ठीक ना, मैथ में क्या रहने वाला भैया? 25 अंक 25 क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। और आगे की तरफ अगर बढ़ें जीके जीएस में यहाँ पे देखिएगा 25 अंक 25, और वही काम रहेगा भैया, ठीक ना, रीजनिंग में भी टोटल आपके 100 क्वेश्चंस और 100 प्रश्न दिए रहेंगे, ठीक, 100 अंकों का। डिटेल्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो हिंदी का जैसे हमने आपको बताया कि हम डिटेल्स में जाएंगे, ठीक ना, डिटेल्स का अगर जिक्र करते हैं तो यहाँ पर डिटेल्स जो आपका है वो पूरा का पूरा हिंदी में दिया गया है। क्या क्या है आपका? ये आपका क्या है? अलंकार दिया गया है, रस दिया गया है। देखिए जो सिलेबस में हो उतना ही आपको पढ़ना है, फर्जी चीज़ें नहीं पढ़नी है, बातें समझ रहे हैं भैया। तो इसमें अलंकार, रस, समास, छंद हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए एक शब्द का निर्माण, लोकोक्ति, मुहावरा, ठीक ना, वाक्यांश, लिंग वचन, काल कारक, वर्तनी की त्रुटि, ये सारी चीज़ें, अनेकार्थी शब्द, ये सब दिए रहेंगे। तो बस इतनी ही चीज़ें आपको, ठीक ना, छोटा सा सिलेबस है, इतना ही आपको पढ़ना है। आइए मैथ का जिक्र कर लेते हैं। मैथ में बहुत सारे बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं क्या चीज़ें पढ़नी क्या चीज़ें छोड़नी है, तो जितनी चीज़ें इसमें दी गई हैं बस उतनी ही चीज़ें आपको पढ़नी है, फर्जी कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से देखिएगा संख्या, पद्धति, प्रतिशत, लाभ, हान, ठीक ना, आंकड़ा, पूरा का पूरा एसआई का सिलेबस इसमें डाल दिया है। वर्गीकृत, ठीक ना, आवृत्ति, सारणी, ठीक, बारंबारता, वर्णन, संचयी बारंबारता, दंड आरेख, पाई चार्ट, आयत, चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माप, और यहाँ माधिका, और ये आपका क्या भैया? बहुलक, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो बस इतना ही आपको पढ़ना है। सामान्य ज्ञान का जिक्र करते हैं तो सामान्य ज्ञान में जैसा कि आप जानते हैं समसामयिकी, पूरा घटनाचक्र हो गया, भारत, भूगोल, इतिहास, आंदोलन, जितने भी, ठीक ना भैया, इतिहास में तीनों आपको पढ़ना है। और जनसंख्या यहाँ से देखिएगा विज्ञान दृष्टिकोण से, ठीक ना, ये सारी चीज़ें, विज्ञान का भी पूरा पैटर्न आपको देखना है, बायोलॉजी हो गया, ठीक ना, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, यहाँ पे पूरा का पूरा पौधों के बारे में आपको देखना है, ठीक ना, पौधे, जानवर, ठीक ना, ये सब
आपको देखना है, बीमारी वगैरह इसी में देखना है, स्वास्थ्य एवं रोग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे जितना सिलेबस दिया गया है बस आपको उतना ही पढ़ना है। फर्जी चीज़ों में आप परेशान मत रहिएगा, क्योंकि टाइम ही अपना ख़राब करेंगे। बातें समझ रहे हैं? और वही है कि पढ़ा बहुत, फंसा कुछ नहीं, ठीक ना, या आया आपको कम। तो बस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप पैटर्न आप समझ गए हैं, पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो एक सीट आपको लेने से कोई रोक नहीं सकता है। बस इसी तरीके से द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ बने रहिए। पूरा का पूरा सिलेबस आपको, ठीक ना, बंद दरोगा का इसी चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो वीडियो इसकी बहुत जल्द ही आने लगेंगी और डेली आपको, ठीक ना, बंद दरोगा का वीडियो मिलेगा। बाकी इससे रिलेटेड और कोई फॉर्मेशन और कोई चेंजिंग होती है तो वो हम आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर्स में, ठीक ना। वीडियो के देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।